सभी बच्चों का मैं आर एन एजुकेशन चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों मैं आज आपको ओलंपियाड मैथ का क्वेश्चन बताएंगे, बहुत ही आपको सरल तरीके से बताएंगे, एक एक स्टेप बताएंगे। मेरे प्यारे बच्चों आप मेरी वीडियो को स्किप मत करिएगा, शुरू से लेकर के आखिरी तक देखिएगा। देखें बच्चों क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 to the power x प्लस 9 to the power x इज इक्वल टू 2 to the power 2x प्लस 1। अब मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन को हमको कैसे सॉल्व करना होता है, तो हम मैं आपको एक एक स्टेप बताएंगे, आप अपनी कॉपी पे राइट करते जाएंगे, देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कैसे करना है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, ये जो 6 to the power x इसको पहले ऐसे ही रहने देंगे, 6 to the power x प्लस 9 to the power x और इसको लिखेंगे 2। अब देखिए इसको हम चेंज करेंगे a to the power m plus n के रूप में, तो कैसे करेंगे देखेंगे। 2 को लिख देंगे 2 to the power 2x लिख देंगे और इंटू 2 to the power 1 लिख देंगे। अब मेरे ख्याल में तो इसका फॉर्मूला कौन सा है, ये a to the power m इंटू a to the power n बराबर होता है am plus n, ये वाला फार्मूला मैंने यूज किया है, तो इस रूप में मैंने चेंज कर दिया 2 to the power 2x plus 1 के रूप में। अब हमको क्या करना है कि अब इसको हम क्या करेंगे कि लिखेंगे, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 2x को क्या लिख सकते हैं 2 to the power 2 और इसको लिख सकते हैं x into 2 to the power n। अब इसमें फार्मूला हमने कौन सा लगाया मेरे प्यारे बच्चों कि a to the power mn बराबर होता है a to the power m और 2 to the power n, ये हमने फार्मूला को यूज किया है। अब देखिए a टू द पावर m हो गया और पावर n हो गया, तो इस रूप में मैंने इसको चेंज कर दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे लिखेंगे 2 to the power 2 है तो ये होगा 4 to the power x और इंटू 2 to the power n का मतलब 2 ही होगा। अब हमको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों कि हम जो है सभी में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 4 to the power x से डिवाइड कर देंगे, तो कर दीजिए डिवाइड, तो 6 to the power x अपॉन 4 to the power x प्लस 9 to the power x अपॉन 4 to the power x इज इक्वल टू 4 to the power x और ये जो है यहाँ पे इसको देख लेंगे, यहाँ पे ये चीज है तो ये चीज क्या हो जाएगा, अब हम यहाँ पे कर रहे हैं तो ये चीज डिवाइड करेंगे 4 to the power x से 4 to the power x और इंटू 2 हो जाएगा, तो 4 to the power x कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब हमारा फार्मूला क्या है कि अब इसको इसी चीज दिया है, अब a अपॉन b और ये आपको a to the power x और b to the power x दिया है, तो हम इसको लिख सकते हैं a अपॉन b और x लिख सकते हैं, इसको इस रूप में राइट कर लीजिए, तो हम लिख देंगे इसको 6/4 power x प्लस अब इसको क्या लिखेंगे 9/4 और पावर x और इज इक्वल टू 2 लिखेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों हमको क्या करना होगा, अब देखेंगे ध्यान से, अब इसको 3 2 6 हो जाएगा, 2 3 6 और 2 2 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 power x हो जाएगा और प्लस लिख देंगे, अब इसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर और ये पावर क्या हो जाएगा x हो जाएगा इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब इसको लिख सकते हैं 3/2 power x प्लस अब इसको लिख सकते हैं 3/2 और इसको पूरे का स्क्वायर कर देंगे और ये जो होगा पावर x कर देंगे, अब इसको स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे स्क्वायर और पावर x इक्वल टू 2 लिखेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों हमको क्या करना है, अब ये ध्यान देना है a to the power m और ये जो यहाँ पे देख लेंगे a to the power mn को लिख सकते हैं a to the power n और m लिख सकते हैं, तो इस रूप में इसको चेंज कर देंगे, चेंज कर दीजिए तो क्या लिख देंगे 3/2 power x प्लस 3/2 और ये हो जाएगा पावर x और पावर 2 हो जाएगा और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों अभी इधर थोड़ा सा देख लें, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कैसे करना है,
अब इसको हम लेट कर लेंगे, क्या लेट करेंगे, लेट करेंगे हम 3/2 पावर यक्स इज इक्वल टू यू मान लेंगे। अब हमको क्या करना है कि अब देखेंगे अब हमको क्या चेंज करेंगे, अब इसको 3/2 की पावर यक्स बराबर यू मान लेंगे, तो ये होगा यू प्लस यू स्क्वायर और इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब इसको चेंज कर दें, यू स्क्वायर प्लस यू माइनस, अब देखें 2 को तो हमने राइट हैंड साइड ले आया, लेफ्ट हैंड साइड ले आया, तो ये हो गया 0 हो गया। अब हम इसको हमने उसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फार्मूला मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला लगा देंगे, तो ये होगा 2, तो यू स्क्वायर प्लस 2u माइनस यू और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब u कॉमन ले लेंगे, u कॉमन ले लीजिए तो u प्लस 2 हो जाएगा, और माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो u प्लस 2 हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि u प्लस 2 और क्या लिखेंगे, अब देखें u प्लस 2, u प्लस 2 कॉमन है और u माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो अब लिखेंगे u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो इसको लिख सकते हैं u इक्वल टू माइनस 2। लेकिन मेरे प्यार बच्चे यदि u इज इक्वल टू माइनस 2, अब दूसरा लेंगे u माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू क्या होगा 1 हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहां पे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे हमें थोड़ा बता रहे हैं, अब देखेंगे यदि u प्लस u इक्वल टू माइनस 2 ले रहे हैं, यहां पे यदि हम u इज इक्वल टू माइनस 2 ले रहे हैं, तो यदि हम इसमें वैल्यू रखें 3 टू दी पावर यक्स इज इक्वल टू यू बराबर माइनस 2 लेते हैं, तो यह वैल्यू निगेटिव है, तो इसका हम एक्सपोनेंट पे इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो हम इसको क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। अब हमको क्या करना है, देखेंगे यू की जगह पे यदि हम 1 ले लेंगे, यू की जगह पे जब हम 1 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 और पावर यक्स इज इक्वल टू 1। अब देखें यू की जगह पे हम 1 रख दिए तो ये हो जाएगा 3/ अब इसको थोड़ा सा इधर हम लिख लेते हैं, अब यहां पे थोड़ा सा देख लेंगे 3/2 और पावर यक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखें 1 है यहां पे, तो 1 को हम लिख सकते हैं 3/2 की पावर 0, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगा। इसका फार्मूला कौन सा लगाया, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n, यहां पे n होगा, तो ये होगा m इज इक्वल टू n होगा, ये पावर जो है बेस बेस तो इक्वल है, तो हम पावर से इक्वेटिंग कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो हमें पूछ रहा है कि यक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, यहां पे हमने लिखा नहीं है, यहां पे आपको यक्स की वैल्यू फाइंड करना है, यहां पे क्या करना है, यक्स की वैल्यू आपको फाइंड करना है। यक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो इस तरह से मैंने बच्चों एक एक स्टेप बताया, यक्स इक्वल टू 0 कैसे आया। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। जितने भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि बेल के साथ साथ आल को जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी मैं आपको वीडियो अपलोड करूं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको इसी प्रकार से अच्छा से अच्छा टॉपिक पे वीडियो हमेशा प्रोवाइड करता रहूंगा, बस आप लोगों का सहयोग और साथ चाहिए। तो गुड नाइट, थैंक यू फॉर वीडियो।